तो हे गाइस, ऋषिकेश से केदारनाथ जाने के लिए दोस्तों फर्स्ट वाला पार्ट आपने अगर नहीं वॉच किया है तो जाकर वॉच कर ले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, पहले वो वीडियो वॉच कर लीजिए कि ऋषिकेश से कौन सा बस पकड़ना है, कितने बजे से बस है, कैसे हमको आना चाहिए, सभी डाउट उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वही है, सेकेंड पार्ट वॉच कीजिए, यानी इसमें भी आप मतलब ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों खूबसूरत पहाड़ को देखने के लिए, खूबसूरत वादियों को देखने के लिए ये वीडियो भी आप लोग वॉच कर सकते थे। पहला पार्ट वॉच कर लेंगे तो और भी बेटर होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं केदारनाथ अभी 92 किलोमीटर यहाँ से अभी है। दोस्तों अगले वाले पार्ट में हम लोग लगभग 100 किलोमीटर भी तय कर लिए थे लोग, देन यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं। ये भी एक मार्केट है दोस्तों, ये गुप्त मतलब ये इसको बोलते हैं लगभग रुद्रप्रयाग बोलते हैं, रुद्रप्रयाग है ये पहाड़ों के बीचों बीच में रुद्रप्रयाग, मतलब रुद्रप्रयाग से ही अधिकतर लोग यहाँ से जाना स्टार्ट करते हैं। मतलब लगता है कि हम लोग केदारनाथ बाबा की नगरी में आ चुके हैं। दोस्तों 92 किलोमीटर ले गया, फिर भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है दोस्तों, एकदम सीधा पहाड़ पर चढ़ाई है। ये रुद्रप्रयाग एक छोटा सा शहर है दोस्तों, हम लोग ये छोटा पुल पार करेंगे। आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के बीचों बीच में एक मतलब छोटा शहर बसा हुआ है, एक खूबसूरत शहर है दोस्तों। आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, एक खूबसूरत शहर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों देख रहे हैं पुलों के बीचों बीच, ये इसके बगल में पूरा खाई खाई है, पूरा झील आप देख सकते हैं। इस पुल को पार करके हम लोग केदारनाथ बाबा की यात्रा स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं सामने घर दिख रहा है छोटा छोटा, इतना हम लोग ऊपर जाते जाते हम लोग उतना ऊपर अभी चढ़ाई करना है। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बन रहिए, और इस वीडियो पे न्यू आए हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस ब्लॉग को वॉच करते रहिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहे, क्योंकि दोस्तों आगे बहुत ही खूबसूरत पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, खूबसूरत वादियाँ आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बोर नहीं होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो जगह जगह से जैसे जैसे हम लोग केदारनाथ बाबा के नज़दीक आ रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ ये नगर पालिका है, जैसे नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, तो ये एक छोटा शहर है, तो इसीलिए नगर पालिका यहाँ बोलते हैं, बड़ा शहर होता है तो नगर निगम बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे घर, इतने खूबसूरत पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आगे भी बहुत बड़े बड़े खाई आएंगे, बड़े बड़े पहाड़ आएंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, आगे बहुत बड़े बड़े पहाड़ आने वाले हैं दोस्तों। जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, गाड़ियाँ आती रहती है, जाती रहती है, जितने हम लोग आगे जा रहे हैं उतना सड़क पतला होते जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सड़क चौड़ा मतलब सरकार चौड़े कर रही है, सड़क चौड़ा कर रही है, जिससे यात्री को टूरिस्ट को आने जाने में दिक्कत न हो। दोस्तों ये देख सकते हैं बंकर, हम लोग इस बंकर के बीच में निकल रहे हैं, पहाड़ों के बीचों बीच ये बंकर बनाया गया है, हम लोग इस बंकर से हम लोग देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं सड़क इतना पतला है, तब भी गाड़ी आ भी रही है और जा भी रही है, ये खूबसूरत झील है। तो आप लोग ये वीडियो देख कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आगे और कितना खूबसूरत पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए, और ब्लॉग को वॉच करते रहिए, और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। इस पुल को पार करना है, इतना खतरनाक जगह है दोस्तों, इतना डेंजरस जगह है, तभी ये दोस्तों ये कहीं और जाएगा, वो रूट कहीं और जाएगा दोस्तों, वो बद्रीनाथ नाथ भी जा सकता है। तो हम लोग इन पहाड़ों के बीचों बीच हम लोग गाड़ियाँ चल रही है, इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को आपको मिल रहा है, मतलब खूबसूरत लग रहा है।
जब आप लोग यात्रा करेंगे तो आपको कितना खूबसूरत लगेगा। अगर आपको वीडियो में आपको इतना खूबसूरत लग रहा होगा तो आप लोग यात्रा करेंगे तो कितना खूबसूरत ये पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मतलब केदारनाथ बाबा को हम लोग जन्नत बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जन्नत में शेयर कर रहे हैं, मतलब जन्नत में यात्रा हम लोग कर रहे हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच ये झील, ये पहाड़, ये छोटे छोटे घर, पहाड़ों पे खेती हो रही है, हम लोग इन पहाड़ों के बीचों बीच हम लोग यात्रा केदारनाथ बाबा का यात्रा कर रहे हैं। आगे आप लोग चलेंगे तो हिमालय देखने को आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग सामने वो देख रहे होगा, हम लोग उस पहाड़ के रास्ते हम लोग घूम कर जाएंगे, उस रास्ते सीधा खड़ा चढ़ाइए ऊपर। तो ये है छोटे छोटे पहाड़, ऊपर टावर भी लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ है, उत्तराखंड के पहाड़ है दोस्तों, को उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं। उत्तराखंड में आइए दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है दोस्तों घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। तो आप लोग फिलहाल हम लोग केदारनाथ बाबा का भी यात्रा कर रहे हैं। तो आप इस खूबसूरत नज़ारे को आप देखिए और इन्जॉय करते रहिए। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है, कैसे बनाया गया होगा आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों। इस तरह हम लोग घूमेंगे और आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए दोस्तों। ज़रा भी ध्यान हटा तो हम लोग खाई में गिर सकते हैं, गिरने के चांस हैं। जो यहाँ के मतलब अप डाउन रोज करते रहते हैं वही लोग गाड़ी चलाते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा घुमाव है दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गाड़ी चलाना हम लोग खुद 2 से 3 बार डर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुड़ाव इतना ख़तरनाक है दोस्तों। अगर जो भी यात्री यहाँ से 1 मिनट के लिए मतलब गाड़ी को डिसबैलेंस हो जाएगा तो खतरा होने का चांस है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं, रूल का पालन करें दोस्तों, जो भी रूल बता रहा है, हर दूरी दूरी पर लिखा हुआ है दोस्तों। गाड़ी धीरे चलाएं, गाड़ी को आराम से ले जाएं। तो आप लोग यात्रा स्टार्ट कीजिए केदारनाथ बाबा का, आप लोग यात्रा स्टार्ट कीजिए केदारनाथ बाबा आपको सही सत तरीके से आपको सही सलामत केदारनाथ बाबा तक आप पहुंच सकते हो। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बन रहिए और इस खूबसूरत नज़ारे को आप लोग देखते रहिए। और हाँ गाइस दोस्तों, जब भी आप फैमिली के साथ में आएँ तो आप लोग खाने का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खाने का सामान अधिक से अधिक आप लाने का प्रयास करें। जैसे ही हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों इसका रेट हाई रेट मतलब दोगुना रेट मिल रहा है, MRP से दोगुना रेट यहाँ पे सामान मिलता है खाने के लिए। तो आप प्लीज़ जब भी आप चले तो आप लोग सामान खरीद कर आएँ, सभी व्यवस्था करके आएँ। केदारनाथ बाबा का यात्रा जब स्टार्ट करेंगे तो अपने साथ स्वेटर जरूर लेके आएँ, मोटा स्वेटर, और दोस्तों रेनकोट भी लाएँ, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ बाबा का जब भी पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे गौरीकुंड से तो दोस्तों अब बारिश हो कब वहाँ पे मौसम बदल जाता है किसी को पता नहीं। तो
इन पहाड़ों के बीचों बीच केदारनाथ बाबा बसे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि हे बाबा कहाँ पे हैं, केदारनाथ बाबा कहाँ पे हैं? तो कोई बोलता है काशी में, कोई बोलता है कैलाश पे, तो बाबा कैलाश पर ही, क्योंकि जब आप आगे चलेंगे तो आपको कैलाश पर्वत दिखने को मिलेगा। मतलब कुछ आगे जाएंगे तो आपको पर्वत दिखेगा, हिमालय पर्वत पर बर्फ से ढका हुआ पर्वत देखा वो देखने को मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हो। आप लोग देख सकते हो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम लोग यात्रा कर रहे तो हम लोग को इतना खूबसूरत मिल रहा है जैसे लग रहा है कि हम लोग जन्नत में हैं। जितना आगे हम लोग जाएंगे उतना चढ़ाव है दोस्तों, पहाड़ों के ऊपर इतना चढ़ाव है, इतना घुमाव है दोस्तों कि हम लोग कभी कभी हम लोग को डर लग रहा है कि कहीं खाई में मतलब कुछ घटना ना हो जाए दोस्तों। कि केदारनाथ बाबा की यात्रा सुमंगलम हो दोस्तों, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपका यात्रा सुमंगलम हो। ये देख सकते हैं किनारे गाड़ियाँ चल रही हैं, बीच में झील है और किनारे पहाड़ है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों के ऊपर खेती भी हो रही है दोस्तों, खेती इन झीलों के किनारे छोटे छोटे घर भी है। इन लोगों का पता नहीं, मतलब आराम से हर जगह पे पुलिस चौकी भी है, हर जगह घर भी है। अगर बीच में आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर गाड़ी चलाते चलाते आप थक गए तो बीच में स्टे भी कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे रूम अवेलेबल भी है आपको, चिकन प्राइस में आपको मिल जाएंगे अगर आप बात करेंगे तो। दोस्तों जब भी आए तो आप लोग अगर हो सके तो ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद दोस्तों रूम चार्ज कुछ ज़्यादा ही लोग बताते हैं। एकदम केदारनाथ बाबा खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच में बसे हुए हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो पूरा आपका दुख दर्द पूरा गायब हो जाएगा दोस्तों। एकदम बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक नेचुरल आपको हवा मिलेगा। जब बस यात्रा करेंगे तो इन सभी खूबसूरत वादियों को देखने को मिलेगा। जैसे लग रहा है हम लोग को बेयर ग्रिल्स या डिस्कवरी में दिखाता है, जैसे डिस्कवरी पर बेयर ग्रिल्स करता है तो आप लोग देखे होंगे डिस्कवरी पर दिखाता है। जैसे हम लोग वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मार्केट मतलब जंगलों के बीचों बीच हम लोग चल रहे हैं और इन खूबसूरत पहाड़ों को हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा ये सफ़ेद सफ़ेद बादल, ठीक वहीं पे हिमालय पर्वत है। आपको पास दिख रहा है मगर दोस्तों यहाँ से बहुत दूर है दोस्तों, बहुत दूर है। ये आप खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों के बीच बीच इन वादियों को आप देख सकते हो कितना क्लीन है। अभी बस रुका हुआ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं तो चलने में दिक्कत हो रहा है। तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए दोस्तों, लास्ट तक। आपको जैसे आपको बोर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन पहाड़ों को देखने का पूरा दुख दर्द आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों हम कितना वीडियो वॉच कर लिए। तो दोस्तों आप वीडियो में कंटिन्यू बन रही है और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी करना मत भूलिए दोस्तों। जो केदारनाथ बाबा का यात्रा स्टार्ट करना चाहता है आप लोग वीडियो दिखाइए दोस्तों, उन लोगों को वीडियो दिखाइए जो बोलते हैं केदारनाथ बाबा पास में दोस्तों। जब आप मन बना लेंगे तो दोस्तों मंजिल पाने के लिए दोस्तों मन बना लीजिए कि हमें मंजिल प्राप्त करना है, मंजिल प्राप्त करना है। तो आप लोग आइए और केदारनाथ बाबा का यात्रा कीजिए, फैमिली के साथ आइए दोस्तों। अगर साथ में आएंगे तो दोस्तों दवा भी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कई लोग बस का यात्रा कर नहीं पाते हैं, वोमिटिंग भी होती है। तो आप लोग दवा भी लेकर आइए, दर्द का, वोमिटिंग का, गैस का, जो भी लाना है आप लोग लाइए और यात्रा कीजिए, क्योंकि केदारनाथ बाबा के पहाड़ियों के बीच खूबसूरत नज़ारा को देखने को मिलेगा। इतना ब्यूटीफुल, मतलब अति सुंदर बोलेंगे, महादेव की नगरी अति सुंदर है, अति सुंदर है। लोग यात्री मतलब जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है, मतलब देख रही है कोई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी को मतलब रुकवा दे रहे हैं। देन रुकवाने के बाद इस पुल को पार, क्योंकि दोस्तों इस पुल पर सिंगल गाड़ी ही जा पाएगी या आ पाएगी, इतनी खतरनाक रास्ता है दोस्तों। आपको जब खुद यात्रा करेंगे तो आपको लगेगा कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है।
तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, इस खूबसूरत नज़ारे को आप लोग देखते रहिए। गाइज अभी हम लोग यहाँ से सोनप्रयाग अभी 50 किलोमीटर दूरी पर हैं दोस्तों। फिलहाल दोस्तों जब भी आप ऋषिकेश से यात्रा करेंगे तो वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर लिखा रहता है, लेकिन 200 किलोमीटर है नहीं दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है दोस्तों 200 किलोमीटर से अधिक है। और दोस्तों सिंगल रास्ता है दोस्तों, चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, गाड़ियों को पास कराया जा रहा है तभी एक गाड़ी निकल पा रही है, जितना आगे आएंगे तो उतना सड़क पतला होते जाएगा। तो दोस्तों तीसरा ब्लॉक भी आएगा, उसमें देखिए उसमें और भी अधिक खतरनाक पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। 50 किलोमीटर जो ये पहाड़ है बहुत ही खतरनाक है। तो थर्ड ब्लॉक जो आने वाला है उस ब्लॉक को वॉच कीजिए, देन उस ब्लॉक में आप पहुंचेंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा, आप यहाँ पर भी रूम स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप डीजल पेट्रोल भरा सकते हैं, डीजल पेट्रोल की कोई कम नहीं होगा। तो थर्ड ब्लॉक आप लोग वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में मिलते हैं।